नाज़िम ये देखे जी हम आए हुए हैं पार्क और मेरे कैमरामैन का खास करके आज बर्थडे है जिस जिसने देखना है आज का व्लॉग आपने पूरा मेरा देखना है और लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब भी करना है जरूर देखिएगा बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी हमने बहुत ही माशाल्लाह एंजॉय भी किया है साथ में इधर आके ये डेकोरेशन दिखाएं लेकिन बहुत डेकोरेशन दिखाएं ज्यादा जल्दी ना रात हो गई पापा कह रहे हैं जल्दी जल्दी निकले मच्छर बहुत ज्यादा इतना मच्छर तंग कर रहे सीन इतने बड़े वो मान गया क्या कहते हैं ना उसको वैसे तो बड़ा मजा आया चले वो डेकोरेशन दिखाएं जो कि बहुत जल्दी में 15 मिनट में इतनी जल्दी मेरी भतीजी की और मेरे कैमरामैन की और मेरी छोटी सहरा की दोनों की छोटी सहरा जो है ना जो कैमरामैन है मेरा सबसे ज्यादा उसको हमारे व्यूअर्स सायरा वेट कर रही है भाई का और भाभी का वो दोनों डेट पे चले गए मुझे लग रहा है और ये डेकोरेशन हमारी जल्दी जोड़ने वाली है ना करो केक का ये क्या जी केक पहले खा रहे हैं ये चॉकलेट साइड ना सवेरा की है क्योंकि उसकी फेवरेट और ये हम सब लोग हैं बर्थडे गर्ल एंड बहना दें ये देखे सारी मेरी फैमिली आई हुई है और छोटा भाई भाई के बच्चे भी आए हैं भाभी भी आई हुई है और ये छोटी का तो आपको पता ही है अक्सर इसको आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा माशाल्लाह बहुत प्यारी उसके अलावा बहुत प्यारी लोग बेटियां भी आई हुई हैं मियां साहब भी आए हैं बहू भी आई है बेटा भी आया सब लोग आए हुए हैं लेकिन सॉरी थोड़ा सा टाइम कम है ये देखे की मियाँ साहब भी आए हुए हैं और कह रहे हैं की जी केक चक मरवा ये सारे काम उल्टे ही मेरे साथ करते हैं मच्छर बहुत ज्यादा ए ना अंज कर के रखना अंज भी पता लगता है इथे ना पता तो ये देखे जी अभी जो है ना कटिंग करके तो बाहर चलते हैं और सारी जो है ना पार्क घूमते हैं क्योंकि पार्क के काम के लिए आए हैं तो उसके बाद जी माशाल्लाह हो रही है तस्वीरें वगैरह बन रही है सब अपने अपने जो है ना तस्वीरें बनवा रहे हैं लेकिन टाइम ना होने की वजह से ना मज़ा तो कोई नहीं था आ रहा क्योंकि अंधेरा बहुत था इसकी वजह से ना बड़ा मुश्किल हो गया था। अच्छा जी साथ में मेरी भतीजी की भी सालगिरह थी वो भी साथ में बैठी हुई है दोनों की सालगिरह जो वो कटिंग केक कटिंग हो गया है तो अभी तो हमने आज ना बहुत ही काम ख़राब हुआ हमारे साथ थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया क्या हुआ है एक तो गाड़ी वाले ने लेट कर दिया और दूसरे नंबर पे जो है ना हमें गैस ने बहुत तंग किया था जो हमने बनानी थी बिरयानी उसके लिए जो है ना वेट कर कर के ना तो सारा टाइम हमारा घर में ही गुजर गया था। अच्छा जी मैं जो है ना बार बार हाथ को ना खारिश कर रही हूँ मुझे मच्छर इतना तंग कर रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना हाथों पर दस्ताने लगा लूँ साहब मुझे ही देख रहे थे कह रहे थे मैं ज़्यादा नहीं मियाँ साहब जो है ना तो उनको भी बहुत मच्छर तंग कर रहा था खाली मुझे नहीं लेकिन क्या करें इधर है ही पार्क में आपको पता है गंदगी बहुत ज़्यादा होती है वैसे तो ग्रीनी ग्रीनी है लेकिन रात का टाइम जो है ना उस टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है मच्छर और इसके बाद सारे जी ये देखें एक दूसरे को केक खिला रहे हैं तो अभी जो है ना मैंने इनको बोला है कि बस करें अभी निकलते हैं उधर जाते हैं ये देखें छोटा जमान जो है ना वो खुद ही अपनी जो है वीडियो बना रहा था और खा रहा था केक भी साथ में मुझे तंग कर रहा था कह रहा था कि मामा मैंने आपकी वीडियो मैसे ही आना है तो आप फिर आपके जो है ना व्यूवर आपको बोलेंगे कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या मैंने किया है मैं कह चलें जी ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा जी ये साथ में बहू बैठी हुई है इसके बाद हम जो है ना उधर से फारग हो गए थे अभी हम निकल रहे हैं जी पार्क घूमने के लिए मैंने कहा चलें आए तो हमें क्यों ना सारी पार्क घूमते हैं देखते हैं एंजॉय करते हैं थोड़ा सा टाइम तो आ गए थे हम इधर कोन वाला खड़ा हुआ था उधर से कोने लिए हैं बच्चों को मैंने लेके दिए हैं सबको और मैंने खुद भी ली है ये देखें जी तो बहुत मज़ा आया आज माशाल्लाह बच्चे भी इतने खुश हुए क्योंकि ईद पे हम कहीं नहीं थे गए तो ये मेरा पार्ट टू है क्योंकि पहला पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है उसके बाद ये पार्ट टू था तो वो मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी दूसरी जो है बड़े उसके कैमरे मोबाइल में है तो वो हमने उधर उससे लेना है तो फिर हमने आपके साथ शेयर करना है वो जी आज हमने ये जो है ना इसकी की है एडिटिंग वगैरह तो मैंने कहा चले क्यों ना मैं आपके साथ सारी वीडियो शेयर करती हूँ ये देखें जी कौन हम खाते जा रहे हैं और घूमते जा रहे हैं आगे से मुझे कुछ नज़र आ गया था मेरे पैर जो है ना अटक रहे थे पाँव अटक रहे थे मैं क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं इधर से ना आस्ता आस्ता चलूँगी तो फिर मुझे पता चल गया था क्या है मैंने बोला है अपने हस्बैंड को कि मुझे ना इधर से निशाने लगाने हैं
तो मैंने दो लगाए हैं, दोनों के दोनों ही लग गए थे। आइए आपको भी दिखाते हैं, बहुत मज़ा आया। आज तो सब ना कह रहे थे कि आज का दिन जो है ना आपका ही है बस। अच्छा जी, और साथ में मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं थे छोड़ रहे, भाई ने मुझे बताया था, कह रहा था कि बाजी इधर से पकड़ें, लेकिन मेरे मियाँ जो है फिर भी मेरे साथ खड़े हुए थे, कह रहे थे कि नहीं एकदम से जब इसने चलना है ना तो फिर आपने डर जाना है। मैं कह नहीं मैं डरती, आप छोड़ दें, कह रहे थे कि नहीं। इन्होंने हाथ रखा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने निशाना लगाया, बिल्कुल माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा लग गया था। और मेरा दिल था एक मैं और लगाऊं, लेकिन साथ में बेटी थी, उसने बोला कि मैं लगाती हूँ। ये देखें जी अभी एक और लगाते, मैंने इनको बोला भी है कि हाथ छोड़ दें, लेकिन ये छोड़ नहीं थे रहे। मैंने कहा चलें जी मैंने निशाना तो मैंने ही लगाना है ना। ये देखें जी, अच्छा दो मैंने लगाए हैं, दोनों के दोनों ही लग गए हैं, तो मैं बहुत खुश हुई। और उसके बाद ये देखें बेटी लगा रही है, बेटी से उसका भी एक लगा था एक नहीं था लगा, ये देखें। तो हम दोनों जो है ना आज निशाने लगा रही हैं। अगर वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग करें ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पता चलता रहता है का साथ साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो आज जो है ना आज हमने बाद में किया, मैंने आपको बताया था ना, ये छोटी लेके आ गई थी मेरी जो मैंने कौन पकड़ी हुई थी वही, और साथ में जो पीछे बच्चों वाली गाड़ी है जो ट्रेन इन्होंने बनाई हुई है वो आ गई थी। ये गुजरते गुजरते हमारा सर थोड़ा सा टाइम लग गया, और इसके बाद मैंने कहा जी जी मैं एक और लगाती हूँ। तो अब देखते हैं, ये भी एक होता है ना कि बंदे को अपना टैलेंट जो है ना वो देखना चाहिए कि मेरे से हो पाता है कि नहीं हो पाता, लेकिन मैंने किया हो गया था। भाई बाद में जो है ना वो भाई इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद ये देखें जी हम जाए इधर जा रहे थे, आगे आगे रश बहुत था, इधर झूलों पे आ गए थे, और इधर ये औरत जो है ना काले दुपट्टे वाली ब्लैक दुपट्टे वाली मैंने इसका नाम रखा हुआ काला दुपट्टे वाली, ये ना उठ नहीं थी रही, कह रही थी मैंने तो नहीं अभी नहीं मैंने नहीं अभी फ़र्क करना झूला, मैंने अभी झूले लेने हैं मैंने झूले लेने। मैं अपनी बच्चियों को कह रही थी ये नहीं औरत उठ रही, इसको पता नहीं क्या है। तो मैंने फिर ऐसा किया मैं भी बैठ गई इसके साथ ही, मैंने कहा चले ठीक है अभी आप ना बैठी रहो, नहीं उठती तो ना उठो। मैं फिर बैठ गई, बेटी जो है वो साथ में मुझे झूले दे रही थी, हम एक दूसरे के साथ जो है ना मिल के सारे जो है ना एक दूसरे के साथ साथ एक दूसरा कहते हैं ना कि एक दूसरे को झूले दे रहे थे। अच्छा जी आगे से आ गए थे ये वाली जो है ना इसको क्या कहते हैं पापड़ वगैरह पता नहीं क्या कहता, रोटी बड़ी मज़े की थी और सब कह रहे थे खाएं। तो हमने खाना खाया हुआ था, आपको दिखाया था कि बिरयानी हमने खा ली थी, और उसके बाद दही भल्ले थे, बाटल थी, सब कुछ था, लेज वगैरह सारे बच्चे लेके आए हुए थे चीज़ें, वो हमने उधर बैठ के खा ली थी, क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा था इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है ना काम ख़त्म कर। अच्छा जी झूले ले रहे थे, झूले लेने के बाद मुझे जो है ना कोई झूला नहीं था दे रहा, उनको सबको ये था कि हम वीडियो में ना आ जाए। मैंने कहा चलें जी मैं खुद ही कोशिश करती हूँ तो इंशाल्लाह जो है ना हो ही जाएगा ना कभी। तो ये देखें जी कोशिश तो मैंने की है, लेकिन जो मेरा है ना वो नहीं था सही हो रहा, मैंने बेटी को तो दे दिया था लेकिन मुझे कोई भी नहीं था दे रहा। इसके बाद मैंने एक अपनी भतीजी को बोला, मैं कहा मुझे भी झूला दे दो, कहती है चलें जी ठीक है। अच्छा जी वो ये देखें जी उसने मुझे आस्ता आस्ता दे ही दिया था, लेकिन मैंने कोशिश की है, मैंने जो है ना खुद ही अपना जो है काम कर लिया था। अच्छा जी इसके बाद ये देखें जी जो है छोटा इसको इतना मच्छर काट रहा था ना, हम बैठ के ना इसको थोड़ी देर के लिए इधर बैठ गए थे, क्योंकि इसको कपड़े के अंदर मैंने एक कपड़ा लेके आए थे उसके अंदर मैंने इसको क्लोज कर लिया था, और इधर लेके बैठ गए थे। ये रो रहा था बहुत ज़्यादा, मच्छर बहुत ज़्यादा था, तंग आ रहा था, और ऊपर से जो है ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अच्छा जी इसका दिल कर रहा था कि मैं ट्रेन में बैठूँ, इसको मैंने ट्रेन में बिठा दिया था मोहम्मद अफान को, तो बड़ा खुश हो रहा था। ये देखें मैंने इसको अभी कैप्चर कर लिया था सीन, ये देखें जी। अच्छा जी उसके बाद ये सारे बच्चे जो है ना एक दूसरे के साथ सब खेल रहे थे, झूले ले रहे थे, ऐसे बहुत मज़ा आया था माशाल्लाह। भाभी भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसके बच्चे वो भी बच्चों को लेकर कहीं भी नहीं थे गए, तो हमने एकदम से प्रोग्राम बनाया, तो वो कहती है चलें जी ये तो बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी इसके बाद ये मैं चली गई थी, सब मुझे कह रहे थे मामा ये भी करें ये भी करें, मैं कह चलें जी ये भी कर लेते हैं। और छोटू जो है ना वो मुझे तंग कर रहा था, जमान कह रहा था कि मामा आपसे नहीं हो पाएगा, मैंने आपको पकड़ लेना, इसने वाकई मुझे पकड़ लिया था ये देखें। तो ऐसे में मैंने ये भी कर लिया। अच्छा जी उसके बाद मैंने अफान को ये देखें ये लगवाई है, मैंने कहा चलें जी बच्चा है इसको भी देखते हैं, ये देखें जी ये भी बड़ा खुश हो गया, इसको तो इतना इसका दिल कर रहा था कि मैं सारी चीज़ें। अच्छा जी इसके बाद मैं आ गई थी बग्गी पे, तो ये कह रहा था एक बंदे का हम ना जो मतलब एक दोनों मियाँ बीवी या दो बंदों को बिठाते हैं,
लेकिन आप मेरे मियाँ साहब जो हैं वो कहीं आगे पीछे थे तो वो चले गए थे, क्योंकि उनको ना एक दावत का आ गया था ऑर्डर, उधर चले गए थे। तो फिर मैं अकेली थी, मैंने कहा चलें जी बेटी को साथ बैठा लेते हैं। उधर से हमने बग्गी पे झूला लिया और उसके बाद हम फिर आ गए झूलों पे। उसके बाद जो है ना टाइम काफ़ी हो गया था, सब जो है ना बेटा कह रहा था कि मामा चलें आप घर, काफ़ी टाइम हो गया। इसके बाद हम वापसी पे जा रहे हैं, ये देखें टाइम आप देखें खुद कितना टाइम हो गया, लेकिन दिल तो नहीं था कर रहा, क्या करें, जाना तो था ना घर। इसके बाद ये देखें जी गाड़ी हमारी को जो है ना वो ख़राब हो गई थी। इसके बाद हम आ गए थे रिक्शा लेके, तो एकदम से हमने रिक्शे वाले को पकड़ा तो उधर हम बैठ गए थे, उसके ऊपर बैठ के हमने कहा चलें जी घर ही जाना है, नज़दीक ही था हमारा घर, इतना दूर कोई नहीं था। तो मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं। ये देखे इतना मस्त हो गया ना, आराम से बैठ गया, जो हवा लग रही है और ऊपर से मच्छर नहीं ना तंग कर रहा, तो अभी बड़ा खुश हो रहा था। तो तकरीबन टाइम हो गया था 11 का, अभी ये सोया ही नहीं था। इसके बाद जी रस्ते में मैंने आपको बताया ना गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उधर हम बैठ के इंतज़ार जो कर रहे थे, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। और इसके बाद हमने रिक्शा पकड़ा था, बेटा वापस आके हमें लेने के लिए फिर देख रहा था कि मामा अब क्या होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक और रिक्शा आ जाएगा उसके ऊपर बैठ जाएंगे तो चले जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं था रात, क्योंकि टाइम को काफ़ी हो रहा था। अच्छा जी, जो जो गाड़ियां जा रही थी ऐसे हमें देख रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या है। मिलते हैं फिर इसी तरह, तब तक के लिए।